ओके जी, मैं शाम में, अभी हम लोग ज़रा घूमते घुमाते मैं और मेरा बेटा निकले हैं, तो मैं आई हुई हूँ फोरम मॉल, कराची फोरम पे शॉपिंग मॉल पे, और यहाँ पे ये इनका सिटिंग एरिया बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है यू कैन सी। तो हम लोग ने यहाँ पे जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाई है, फ्रेंच फ्राइज और फ्रूट चाट यहाँ की बहुत मशहूर है, तो मैंने कहा चलो वो इंजॉय करते हैं। मेरा बेटा बैठा शाम में, ज़रा दिल चाहता है कि चलो, डे में तो इतनी गर्मी और रश, तो शाम में दिल चाहता है कि चलो भाई ज़रा निकलें, आउटिंग करें, कुछ खा पी के आएँ। तो चाय तो शाम में मैंने घर में पी ली थी, चाय का मूड नहीं था, मैंने कहा चलो फ्रूट चाट खाते हैं। और दोपहर में मैं थोड़ी सी देर सो गई थी, तो आई एम फीलिंग फ्रेश, तो मैंने कहा चलो घूम के आते हैं। फोरम मॉल पे फूड कोर्ट टाइप का ये आउटडोर इन्होंने बड़ा ही अच्छा एरिया बनाया हुआ, आप बैठ सकते हैं। आप खाने के लिए पीछे जो है इन्होंने जो इनके स्टॉल्स लगे हैं, मिर्ची चिल्ली का भी स्टॉल है, और मतलब चाइनीज़ भी है खाने में आपको अगर खाना है, इसके अलावा फ्राइज हैं, पिज़्ज़ा है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर हियर। बट प्लस पॉइंट इज़ दिस के आउटडोर है, देखिए बाहर बैठे हैं हवा में सब लोग जो हैं, बाहर इंजॉय कर रहे हैं, सारा खाना वाना जो है पीछे ही यहाँ। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ इनके इस एरिया में, वरना पहले हम लोग जो है वो कुछ खा पी लें, फिर अंदर जाके विंडो शॉपिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है फोरम में। सुबह ही बहुत देर से खुलता है 11 बजे, इसलिए मॉर्निंग में जो है ना वो कोई शॉपिंग नहीं हो सकती। तो अभी मैं थोड़े एक दो काम से निकली थी फारिग होकर, तो मैंने सोचा कि अभी जो है ना मैं थोड़ा चिल करूँ और एक दो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। मेरे ख्याल से सेल अभी चल रही है, स्टिल ऑन सेल इज स्टिल ऑन, सो वी शुड गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम द सेल, वी शुड सर्च टू गो इनसाइड द फोरम। ये राना नहीं बेटा, ठंडी हो रही है बेटा बहुत ज़्यादा, गला हर थोड़ी सी वॉर्म होने दो। जी ये मज़ेदार सी हमारी फ्रूट चाट आ चुकी है, मैं और मेरा बेटा जो है ना इन्जॉय करने लगे हैं फ्रूट चाट। फोरम की ये फोरम शॉपिंग मॉल के बाहर जो फूड कोर्ट बना हुआ है ना, फूड हब के नाम से, वहाँ पे बहुत ही मज़ेदार है फूड चाट। ये चाट वगैरह खा के फ्रूट चाट हम लोग अंदर फोरम में आ गए, और यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा ज्वेलरी का जो कॉर्नर नज़र आया है, आई विल शो यू। देखिए कितने अच्छे इनके पास पेंडेंट्स वगैरह हैं। अच्छा हाँ, वो कॉपी बनी हुई। अच्छा ये कितने के हैं इयररिंग्स जो हैं ये कानों के? 3 pairs 1000 के हैं जी, तो ये चल जाते हैं अगर डेली मिलते। 400 इधर आ जाओ, तुम्हारे साथ तो कुछ लेना, अच्छे वाले लोग तो जो है ना। अच्छा जी ये 1200 में 3 pair दे रहे हैं, 1000 में 3 pair दे रहे हैं, जो है वो अलग है, 1200 वाले अलग। अच्छा ये 1200 और ये 1200 के 3 pair, ये ज़रा बेहतर क्वालिटी होगी, और उसमें स्टोन्स हैं बड़े बड़े। ओ सॉरी, कहाँ गया? आप वीडियो करते हैं या वीडियो बना रहे हैं? ये मैं व्लॉगर हूँ ना, तो इसलिए दैट्स आई एम शूटिंग। अच्छा जी यूट्यूबर हूँ मैं, दैट्स दैट। अच्छा जी ये जो है ये इन्होंने 1200 के 3 pair लगाए हैं, और ये आपको ईजिली अवेलेबल होंगे। आप फोरम शॉपिंग मॉल में आ जाए एंट्रेंस से, ये 3rd या 4th एंट्रेंस के पास ही ये सारे स्टॉल्स हैं, एंड दे डू, हाँ बॉडी शॉप के सामने हैं। दे डू हैव अ वेरी गुड ज्वेलरी फॉर फॉर्मल यूज़ एंड फॉर द पार्टी वेयर एज वेल। ये फॉर्मल यूज़ के हैं, बट ये ज़रा अच्छे स्टड्स हैं ना, जो आप
जिस किसी ड्रेस के साथ पहनना चाहें, देखिए ब्लैक टोन में, ब्लैक स्टोन में भी है, ये तो बाली झुमका है खैर, और रेड में भी है, ये देखिए कितने प्यारे हैं। पर पीस नहीं देते ये आप लोग, पर पीस कैसा? ये बस 500 पर पेयर है, पर पेयर 500, 3 पेयर्स लेते तो डील पे 1200। और ये देखें ये 1200 के इन्होंने ये ब्रेसलेट, कड़ा कह लें ब्रेसलेट कह लें, बैंगल्स हैं, और ये बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत प्यारे हैं। 1200 जी, ये सालों साल चलते ख़राब नहीं होते, ख़राब नहीं होते, ऐसे मटेरियल बड़ा ज़बरदस्त मटेरियल है। अच्छा, सब्जियां वगैरह लेने के बाद, और क्या नाम है अपना, ये चिप्स वगैरह लेने के बाद जो है मैं थोड़ा सा आई हूँ ये कि मशीनरी सेक्शन की तरफ, और जो क्रॉकरी सेक्शन है, हम ख़वातीन जब तक चक्कर ना लगा लें, एक रैंडम चक्कर तो बनता है ना, उसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आता कि नए नए बर्तन क्या आए हैं, चीज़ें क्या आई हैं, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ कि क्या, अगर कोई अच्छी नई चीज़ नज़र आई तो आई विल ऑल्सो शो यू गाइस। 1665 रुपए की हैं ये, बड़ी अच्छी बॉटल्स हैं, कैरी बॉटल्स, पानी डाल के लेके जाने के लिए, मुझे तो बहुत ही पसंद आई हैं। तकरीबन आधा लीटर पानी तो आ ही जाएगा इनमें, और कलर भी बहुत स्मार्ट और प्यारा है। 1700 रुपीज़ की हैं ये वाली, थोड़ी सी उससे एक्सपेंसिव हैं, ये 1850 की हैं, वो 1670 की हैं, 100 रुपए का डिफरेंस है, ये उससे भी ज़्यादा स्मार्ट हैं ज़रा, तो हैंडल भी है बड़ा ज़बरदस्त, काफ़ी वैरायटी है इनके पास चीज़ों की, काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। ये देखें ये गोल्डन कलर, गोल्डन और ब्लैक में कितने प्यारे आए हुए हैं कप्स, बहुत से 4 से 10 रुपए का पर पीस है, ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा प्यारा है आई थिंक। ये भी कप्स लगे हुए हैं बड़े प्यारे, छोटे हैं मिनी हैं, ये 325-325 के हैं, इसमें काफ़ी डिज़ाइन है। ये वाले जो हैं ये भी 325 वाली वैरायटी है, लाइनिंग वाले भी हैं। हम ख़वातीन जो चाय पीती हैं ना, बस हमें ये पता नहीं, अलग बास्केट में लगाए हुए हैं, ये प्लास्टिक के हैं बड़े अच्छे, मेरे जैसे लोग जो प्लास्टिक की क्रॉकरी लवर हैं ना, उनके लिए बड़े अच्छे हैं कप्स। अब इनकी प्राइस क्या है पता नहीं, इस पर मेंशन नहीं है, 230 रुपए का पर पीस है। ओके जी, सौदा सारा ये मैंने ले लिया। मैंने आप लोगों को कहा था ना, ये छोटी सी जो मेन मंथली ग्रॉसरी के बाद जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ना, ये वो हैं, ये सारा सौदा टोटल मैंने थोड़ी सी ली है, कुछ चिप्स वगैरह, और ये एक शॉपर भी ले लिया है, मुझे बहुत पसंद आ रहा था, तो बस अब जो है ना मैं घर को जाती हूँ। चाउमिन बनाना है तो गाजर पड़ी हुई थी घर पे, शिमला मिर्च मैंने ली है जी। मेरे बेटे के स्कूल में जो है ना चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने करेक्टर कॉस्ट्यूम कहे हैं, तो ये मैंने लिया है। या इनके पास बैटमैन वगैरह का भी है, फिर लेना पड़ेगा जी। मेरे बेटे के स्कूल में जो है ना चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो करेक्टर उन्हें चाहिए थे कॉस्ट्यूम, तो अब मैं अपने बेटे को, बैटमैन का भी है इनके पास, लेकिन मैं जो है अपने बेटे को सुपरमैन वाला दिला रही हूँ। इसके साथ भाई मास्क है, मास्क है, क्या है, एक्सेसरीज नहीं है, क्या है ऊपर, अच्छा बैक साइड पे ये जिसका ये आता है, मास्क नहीं आता बैटमैन का, ठीक है। और मास्क किसके साथ था, वो स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका के साथ है, स्पाइडरमैन के साथ मिल जाएगा, बैटमैन के साथ है, बैटमैन के साथ में बैटमैन मास्क हो ना, तो जरा एक वो जरा वो होगी क्या, ये वाला मास्क है, मास्क ये क्या है, कैप है, कैप है ये वाला मास्क, ये मास्क पहनेंगे और बाकी पीछे इनके भी आ जाएगा। अच्छा, ट्राई करवाते हैं इसको, क्या है ये मास्क टाइप चीज़, मास्क है। हम लोग खड़े हुए हैं इस वक्त रेड एप्पल पे, और यहाँ पे हम लोगों ने जो है चटनी रोल पैक करवाया, और मेरे बेटे ने प्लेन फ्राइज लिए हैं। अच्छा जी, रेड एप्पल पे आके इतनी खुशबू आ रही थी, मैंने कहा चलो कुछ तो पैक करवाए। मेरे बेटे का तो एक ही जो है वो डिश होती है, कहीं भी ले जाओ फ्राइज, फ्राइज दिलाओ। वी आर वेटिंग फॉर आवर पार्सल, खत्म।
खाना आ जाए, इसके अलावा पे चेक करते हैं। आपको पता है खट्टा मार्केट आके ना यहाँ तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ लिए बगैर खाए बगैर आप जा नहीं सकते फूड मार्केट में। रेड एप्पल वालों के ना इनके रोल्स वगैरह बहुत टेस्टी हैं, इसके अलावा क्लब सैंडविच भी इनका मज़ेदार है बहुत ज़्यादा, और चटनी रोल्स वगैरह। तो बेटा शरारती करो गिर जाओगे आप, मेरे बेटे को तो बस। बेटा तुम तो एक ही डिश खाते हो जहाँ भी खा जाते हो, फ्रेंच फ्राइज। ओके जी, फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया है। चटनी रोल है और इसके अलावा ये मेरे बेटे के फ्राइज हैं। अच्छा जी, हमने अपना ऑर्डर पिक कर लिया है, मेरे बेटे के जो हैं वो कार्टून कॉस्ट्यूम भी मिल गए हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू अच्छा जी, मेरा बेटा जो है ना बस एक्साइटेड हुआ है कि मम्मी आप मुझे जो है ना प्लेट में फ्राइज डाल दें, खा लूँ अपने फ्राइज। तो बहुत सारे कैचअप पॉपकॉर्न खोल के देगा तुम्हें, लाओ अभी मैं खोल के देती हूँ, लाओ दो जब तक आप फ्राइज खाओ। लाओ मैं खोल के जी, यहाँ शाम की चाय चल रही है और चाय के साथ रोल समोसे वगैरह जो है ना हम लोग खा रहे हैं, जो कि हम लोग हम खा चुके हैं। जलेबी मंगवाई थी और क्रीम रोल मंगवाए थे बहुत अरसे के बाद जो है ना, तो क्रीम रोल जो है मैंने लिए हैं, मेरा दिल चाह रहा था आज क्रीम रोल खाने का और जलेबी वगैरह। मेरा बेटा जो बस समोसे उसको तो पसंद है। अच्छा जी, चने की दाल मैंने बनाई है, ठीक है चने की दाल। तो भगार वगैरह मैंने लगा दिया था, तो मैंने अपनी पप्पो का भी टेस्ट कराया, वो कह रही हैं सॉल्ट तो ठीक है लेकिन इसमें जो है लाल मिर्च कम है। तो अब मैंने क्या टिप कर रही हूँ, इसी भगार में से मैंने वापस ऑयल थोड़ा सा ना फ्राइंग पैन में लिया है, कुटी हुई लाल मिर्चें ये थोड़ी सी पका के ना, और इसमें मैं फिर ऐड कर दूँगी ताकि जो मिर्च कम है वो ऐड मतलब बैलेंस हो जाए। तो क्योंकि कम हो जाए ना यू कैन ऐड मोर, अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर शर्मिंदगी होती है कि भाई दूसरे लोग गेस्ट वगैरह घर में जो आए हैं हम खाएं तो फिर अजीब होता है। इसको थोड़ा सा और लाल करूँ ना या पक गई है, अभी तो कच्चा टेस्ट आएगा ना, थोड़ी सी रेड कर लूँ ना। आई थिंक ये टोस्टेड चिल्ली का और मज़े का फ्लेवर हो जाएगा वह दाल में एक, है ना। ओके जी, ये जो है ना फॉर शॉर्ट ये सब कवर अप हो जाए। अच्छा जी, ये थोड़ी सी टोस्ट हो गई है और ये मिर्चें सिर्फ मैं बढ़ाने के लिए क्योंकि कम है उसमें दाल में तो मैं ऐड कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एक अलग फ्लेवर देंगी टोस्टेड चिलीज। अच्छा, तेल जो भगार दाल का था तेल वही वापस मैंने इसमें उलट के दिया में, और ये जो है ना लाल सुर्ख कुटी हुई लाल मिर्च जो है मैंने टोस्ट कर ली है और ये वापस चने की दाल में मैंने शामिल कर दी है। आज की रेसिपी नहीं थी चने की दाल की, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को इसकी दाल की रेसिपी आप लोगों को दे दूंगी। अलबत्ता भगार जो मैंने लगाया था वो सफ़ेद ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा और प्याज लाल करके ब्राउन करके, प्याज पहले प्याज ब्राउन कर लिए जब वो गोल्डन ब्राउन के करीब होने वाले थे तो फिर मैंने ज़ीरा डाला है, क्योंकि अगर आप प्याज और ज़ीरा इकट्ठा डाल देंगे तो प्याज तो ब्राउन हो जाएगा ज़ीरा ब्लैक हो जाएगा जल जाएगा, ठीक है। ये देखें क्लोज इसका, ये देखें जी दाल चने की दाल जो है ये देखिए बिल्कुल ये ना रेड रेड चिली अब ऐड हुई है, तो अभी बिल्कुल मज़ेदार सी जो है ना, साथ प्याज काट लेंगे चपातियाँ। अच्छा, इसके साथ दाल के साथ हमने जो है दाल के साथ जो है ये मेरी हेल्प दाल मैंने बनाई है और मेरी हेल्पर ने जो है मुमताज़ बाजी ने चपातियाँ बना के रेडी कर दी हैं, और इसके अलावा जो है थोड़ा सा डाइट मील भी मैंने तैयार करा लिया था और ये भी मेरी हेल्पर मुमताज़ बाजी ने जो है ना ओट मील तैयार कर दिया। तो आज के खाने में जो है ओट मील है, चपातियाँ हैं, मेरी हेल्पर ने दोनों चीज़ें रेडी की हैं, मैंने चने की दाल बनाई है, तो आज का जो डिनर है वो यही है चने की दाल। और मेरी घर पे अभी हम फ्राइज के साथ थोड़े से रेडी कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनीस व्लॉग। और आज जो है मैं फिर मॉर्निंग वॉक पे निकली हुई हूँ, फिर क्या डेली बेसिस पे जाती हूँ,
और इससे मुझे बहुत डिफरेंस आ रहा है, काफ़ी रिड्यूस हो रहा है मेरा वेट। लेकिन थोड़ा कष्ट करना पड़ता है कि मॉर्निंग में उठ के आपको जाना पड़ता है, बिकॉज जिम विम करने का कोई मूड नहीं होता मेरा। मैं बहुत एक तवील अरसे से वॉक करके ही अपना वेट जो है वो मेंटेन रखती हूँ। सो अभी जो है मैं मॉर्निंग में एटलीस्ट मुझे हाफ एन आवर होने वाला है वॉक करते हुए। तो एक घंटा रोज़ या 40 मिनट्स एटलीस्ट मिनिमम बेसिस पे मैं वॉक कर रही हूँ डेली बेसिस पे। अगेन मैं इम्तियाज में आई हूँ और वहाँ पे जो है मैं बेकरी वगैरह की चीज़ें सर्च कर रही हूँ, कपकेक्स वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे। $145 पर आओ ना तो एक ही जगह सब चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत ईजी रहता है शॉपिंग आपके लिए। और अभी जो है मैं सर्च कर रही हूँ, ब्रेड ली है मैंने बड़ी, क्योंकि ब्रेड आज बिल्कुल एंड थी। अब मैं सोच रही हूँ कि समोसा पट्टी या रोल पट्टी जो है ना वो मैं ले लूँ। सो आई विल टेक स्नैक्स के लिए, मैं अपने बेटे के लिए बना के रख देती हूँ ना तो इजी कन्वीनियंट हो जाता है मेरे लिए। और आज जो है ये लीलन का ड्रेस मैंने पहना है, उसके साथ बड़ी अच्छी बड़ी शॉल है खड़े ऊन की, क्योंकि हल्की हल्की लाइट लाइट सर्दी इवनिंग में जो है ना वो हो रही है। ये देखिए सिनिश के जो है ना ये 300 रुपये के इन्होंने लगाए हैं 12 समोसा, चीज़ी समोसा। इसके अलावा स्प्रिंग रोल लगाए हुए हैं इन्होंने सिनीस के, 1250 रुपये के हैं, नॉट बैड स्प्रिंग रोल। ये मैं एक ले रही हूँ, 12 रोल हैं 250 रुपये का, 262 रुपीज़ का है। और इसके अलावा इन्होंने लगाए हुए 235 रुपये में ये शामी कबाब लगाए हुए हैं, बीफ शामी कबाब, नॉट बैड। तो ये भी मैं ट्राई करूँगी, 235 रुपये मैंने लगाए हुए हैं 8 पीसेस शामी कबाब के। एक मैंने ये भी ले लिया है और आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरी शॉपिंग जो है वो जारी है। अभी तक मैंने जो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ। 235 रुपये कीमत मैं आप लोग इसलिए बताती हूँ कि आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। 235 रुपये का ये पैकेट है और कंपनी है रॉयल कॉर्न, ठीक है। अभी तक मैंने यही शॉपिंग की, अभी कंटिन्यू है जी। यहाँ पे मुझे एक नई चीज़ नज़र आ गई है और मैं सोच रही हूँ मैं इसको ट्राई करूँ। 419 रुपये में लगे हुए हैं ओपा के पोटैटो बाइट्स, पोटैटो बाइट्स के नाम से ये चीज़ लगी हुई है। मैं सोच रही हूँ 750 ग्राम है और 429 रुपये में, कोई महंगे नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ ट्राई कर लूँ एज अ स्नैक, मेरा बेटा जो है ना ये खा लेगा। अच्छा जी, खरबूजा मिल रहा है 179 रुपीज़ के जी। एक ये भी ले लेते हैं, फ्रूट चाट में डाल लेंगे। ये इकट्ठा रख लेती हूँ और फिर शॉपर्स में जो है ना या ये भर लेती हूँ सब्ज़ी। मैंने कद्दू भी लिया है सूप वगैरह सब्ज़ी बनाने के लिए। अच्छा जी, हरी मिर्चें भी ख़त्म है घर से, हरी मिर्चें भी थोड़ी ले लेते हैं उसको, फ्रेश आई हुई हैं अभी इसको, बिल्कुल चमकती धमकती हुई मिर्चें। हरी मिर्च नहीं आना तो मैं फिर सालन मिर्च मुझे मज़ा नहीं आता। अच्छा जी, तो हरी मिर्च तो जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जूस वगैरह बनाने के लिए एप्पल भी ले लेते हैं थोड़े। एप्पल के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। यहाँ पे देखें हरी मिर्चें कितनी फ्रेश फ्रेश हैं। और ये मैंने बड़ी वाली भी ले ली है ना बेसन की मिर्चियाँ बनाने के लिए, फ्राई मिर्ची खाने का मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने ये बड़ी वाली भी ले ली है।
अटेंशन प्लीज स्टाफ अनाउंसमेंट प्रॉपर्ली करके स्टाफ से गुजारिश है कस्टमर के काउंटर पर जाने को शीख ले जाना है शुक्रिया जी। लैटस यहाँ पे बहुत ही फ्रेश मिल रहा है तो मुझे सैंडविचेस के लिए लेना है तो ऐसा करते हैं कि ये बहुत ही फ्रेश सा लग रहा है बंच ये एक बंच भी जाना लैटस का ले लेते हैं क्योंकि सैंडविचेस को अनकम्प्लीट है लैटस के बगैर। और सब्ज़ी के हालात चेक करें कितनी फ्रेश सब्ज़ी आई हुई है मॉर्निंग के टाइम पर इम्तियाज़ में ज़्यादा अपने बेटे के लिए बनाना लेना तो भूलिए मैंने बनाना भी ले लिए थोड़े वेडिंग क्या कहना चाहिए के लिए जो सामान वगैरह जो है इसका चीज़ें आप ले सकते हैं लगाया हुआ बर्तन क्रॉकरी कैटल्स।